एक एक मिलके एक बैल को डालना है, वो तम्बल में तो ऑलरेडी डाले हुए, अभी से ये ऑयल मिला के डालना है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में, दिस इज असलम। सो गाइस देखो अभी तक टाइम बज रहे मॉर्निंग 9:30 के आसपास हो रहा। ऐसे भी गाइस देखो आज तो हमारे को कोई भी काम नहीं है, खेत में काम भी नहीं है, ट्रैक्टर ड्राइविंग का काम भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है क्या कल दिन में बारिश हो गई थी 3 बजे उस टाइम पर। ऐसे भी आज मॉर्निंग में भी बारिश हुई थी, इसके लिए हमारे को आज कोई भी काम नहीं है। हम सोचे कि एक आज ये व्लॉग वीडियो बना लेते हैं, इसके लिए आज एक व्लॉग वीडियो बनाने का सोचे। कोई तो चैनल पर नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। अभी मैं आपको बाहर का क्लाइमेट दिखाता हूँ, वीडियो देखते रहो। देखो अभी मैं बाहर का क्लाइमेट आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। तो गाइस देखो 2 दिन हो गया बादल ऐसे मुड़ लेके, क्योंकि कल भी बारिश हो गई थी, आज भी बारिश हो गई है मॉर्निंग, और ऐसे कितने दिन है कि पता भी नहीं। अभी तो बादल बहुत डल रहे, कभी भी बारिश आ सकता है। तो गाइस देखो ऐसे भी हमें 4 दिन पहले ही हमारा घर को नवा पेंट तो डाले थे, अभी देख सकते थे यही नवा वाला पेंट। उस दिन तो मैं यूट्यूब पे वो पेंटिंग वाला वीडियो तो नहीं डाला था, क्योंकि मैं और हमारा भाई मार रहे थे ये रूम, और दोनों रूम मार रहे थे पेंटिंग, हम दोनों मिलकर ये दोनों रूम पेंटिंग मार रहे हैं गाइस। इसके लिए मुझे वीडियो निकालने का आइडिया भी नहीं आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था, दोनों रूम दोनों मिलकर मारना बहुत ज़्यादा टाइम पकड़ेगा। इसके लिए मैं आपका से एक छोटा सा वीडियो तो निकाला हूँ, जो हम क्या क्या काम कर रहे हैं और पेंटिंग वाला कौन सा है, वो इस वाले वीडियो में आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, जाके जल्दी से देखो कैसे लगा कि कमेंट लिख दो। ऐसे भी गाइस ये वाला पेंट है, पहले तो हमारा घर में तो ग्रीन लोकेशन दिखता था, उसी हिसाब से वही कलर लाए थे, लेकिन ये थोड़ा अलग है, लेकिन उससे भी यही बेटर दिख रहा हमारे को। ये रूम पूरा रूम कलर मारना, अभी ये रूम भी मारना है। और उसके बाद ये बाहर भी मारना है। One hour later. तो गाइस देखो अभी हमें आए हैं हमारा बैलनदड़ी के पास, क्योंकि हमारे बड़ा वाला बैलन को थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है, सुबह में तो इंजेक्शन डाले थे 7 बजे उस टाइम पे, अभी उन को थोड़ा दूसरा भी पिलाना है। ये देखो भाई इसमें ये तम्बल में तो ये डाल दी है, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक एक मिलकर एक बैल को डालना है, वो तम्बल में तो ऑलरेडी डाले हुए है, अभी से ये ऑयल मिला के डालना है, फ्रीडम ऑयल पैकेट भी मिला के डालना है इसमें। अब इधर देखो वो बैल तो लाए, पहले वो बैल को डालेंगे। अच्छा कार्गो में डालना है, वो मिलाएंगे पहले डालेंगे, ऐसे डालेंगे साइड से डालना, डालेंगे पहले वो मिलाएंगे। दाल हो जरा बोल ली दाल क्या करने का। तो देखो इधर पहले इधर क्या बोलते हैं भाई, इसको झाड़ बोलते, झाड़ बोलते, ये दवा है, ये समझे दवा है, ऐसा एक झाड़ से तैयार करते थे,
क्या क्या के मिलाते हैं हमारे को तो आइडिया नहीं है। अब ये डब्बे में तो डाल दी है तम्बल में, उसे ऑयल डालना है, दोनों बैलों को भी पिलाना है भाई। तम्बल मशीन आई तो वो छड़ जाता है बैल को, शीशा में डाल रहे शीशे डाल तो नीचे चौक बैठ जाते वो तम्बल में ऐसा रखना ऐसा रख लो पिलाना। और एक बैल इस खोटे में अंदर है, एक बैल तो इधर भंडाले है, अभी पाइए ये वाला बैल को पिलाना है। सो गाइस देखो ये दवा इस कर से पिलाते बैलांग को ज़्यादा काम करता है, उसे पावन दर्द आने जैसा, उसे छोटे छोटे कोई तो बीमारी आने जैसा। अभी ये दवा पिलाते हुए बैलांग को बहुत ज़्यादा आदमी पिलाते इसे। और देर दिन हो के बाद तो बैलांग सीजन आएगा, ज़्यादा काम हो जाए रहेगा, इसके लिए पहले ही ऐसा काम कर जाते। Two hours later.